गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैडम। बेटे आज हम क्या करने जा रहे हैं, राइटिंग सेक्शन में आपका एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं। ये टोटल आपकी 3 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है बेटा? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स की। और 1 मार्क्स इसमें किसके लिए होता है? फॉर्मेट के लिए, कि आपने बॉक्स बना रहा हुआ है नहीं, और प्रॉपर हेडिंग दिया है नहीं। और सेकेंड क्या है, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं, कि कंटेंट जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आपने लिखा है या नहीं। और 1 मार्क्स आपका किसका होता है? एक्सप्रेशन का, यानी कि मार्क्स में आएगा जो शॉर्ट कंपोजिशन है ना। अभी कितने में हो गई है? 3 में हो गई है, ठीक है। तो 3 तरह की एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं, सिचुएशन वैकेंट, फॉर सेल एंड सिचुएशन वांटेड। यदि आप इसका एक एक एग्जाम्पल भी देखते हो, अच्छे से ध्यान से सुनते हो और देखते हो, तो आप कम से कम 10 और बना पाओगे इसकी हेल्प से। यदि ध्यान से क्रैम आपने कुछ नहीं करना, सारा कुछ बनाने का इसमें कंपोजिशन, नाम ही कंपोजिशन है, यानी कि कंपोज करना है आपको, बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको माइंड में बातें ध्यान में रखनी है वो क्या है, कि एक बॉक्स प्रॉपर ड्रॉ करना है इसमें। क्या? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। कभी स्क्वेयर वगैरह बना के बैठ जाओ, अच्छे से रेक्टेंगुलर पूरी शीट पर अपना बॉक्स बना लेना। और वर्ड लिमिट इसमें होती है 50। कितनी होती है? 50 है होती है। और बॉक्स बनाना कंपलसरी है, और एक कैची सा हेडिंग होना चाहिए कि भाई जिस चीज़ के बारे में है, मान लो सिचुएशन वैकेंट के बारे में है, फॉर सेल, परचेज, लॉस्ट, फाउंड, जिस चीज़ के बारे में भी आपको वो प्रॉपर हेडिंग देना चाहिए, और हेडिंग मस्ट बी इन द कैपिटल लेटर्स। ये बातें ध्यान में रहेंगी। फर्स्ट क्या है कि बॉक्स ड्रॉ करो, सेकेंड क्या है एक कैची सा हेडिंग दो जिस चीज़ के बारे में भी पूछा हुआ है, और ज़्यादातर ग्रामेटिकल वर्ड्स इसमें क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। रीज़न क्या है, ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। कैसी एडवर्टीजमेंट है? क्लासिफाइड है। जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक पूरा पेज होता है, उस पर लिखा होता है ऊपर क्लासिफाइड, तो उसमें आप जितने भी वर्ड्स देते हो ना, उसके हर एक वर्ड्स की चार्जिंग होती है, यानी कि पैसे लगते हैं। तो जितने कम वर्ड्स रखोगे उतनी चार्जिंग कम होगी, इसमें पैसे कम लगेंगे। तो ग्रामेटिकल वर्ड्स तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट अवॉइड होते हैं, 95% मुश्किल से नहीं काम चलता तो लगाना पड़ता है। तो आप फर्स्ट देखो यहाँ पर, यू आर द प्रिंसी। सेकंड एक चीज़ और ध्यान रख लो कि एड्रेस, नेम, दो चीज़, एड्रेस और नेम जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना, गिवन है, वही आपको राइट करना। आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते उसमें। नहीं दे रखा तो भी आप एक्स वाई जेड करके लिखोगे नेम में, नेम नहीं देना आपने। क्यों? बच्चे करते हैं ये मिस्टेक, नाम दिया होता है और फिर भी अपना नेम लिख देते हैं या अपना एड्रेस लिख लेते हैं। तो जो नेम, मोबाइल नंबर जो आपको गिवन है ना, वही आपने क्या है एग्जामिनर को राइट करना है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। एड्रेस दे रखा है जयपुर का, स्कूल का नेम भी दे रखा है, नेशनल पब्लिक स्कूल। यू रिक्वायर अ टीजीटी मैथ फॉर योर स्कूल। कैसी पोस्ट वैकेंट है बेटा, क्या रिक्वायरमेंट है टीजीटी मैथ की? ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द सूटेबल सिचुएशन वैकेंट। देखो हेडिंग खुद ही दे दिया यहाँ पर, क्या है? सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में डिफरेंस पता है आपको? ठीक है, सिचुएशन वैकेंट क्या होता है, जब किसी को हमारी सर्विस चाहिए तो वो कहता है भी हमें ये रिक्वायरमेंट है, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, जॉब की नीड होती है, तो हम क्या लिखते हैं? सिचुएशन वांटेड। ठीक है, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? टीजीटी मैथ की। एंड ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ नेशनल। देखो न्यूज़पेपर का नाम भी दे रखा है किसके लिए, नेशनल टाइम्स, स्टेटिंग एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। जब भी सिचुएशन वैकेंट की कोई आ जाए आपसे, तो 3-4 चीज़ें ही मेन होती हैं, एक तो क्वालिफिकेशन, दूसरा क्या होता है एक्सपीरियंस, तीसरा प्लेजेंट पर्सनैलिटी मांगते हैं, और सैलरी में कहीं जिक्र डिस्क्राइब कर देते हैं और कहीं नहीं करते कि सैलरी जो है नेगोशिएबल है या इतनी हम आपको ऑफर करेंगे, दोनों ही बात हो सकती हैं इसमें। तो लेकिन जो मेन इशू रहते हैं वो किसके होते हैं, सिचुएशन वैकेंट में, जो आपको ध्यान रखनी है हर एक में, जब भी आप बनाते हो, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है, और प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ये चीज़ें मेंशन करते हैं। अब सबसे पहले आपने ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं देनी, सीधा ही टू दी पॉइंट बात करते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है हर एक वर्ड की क्या होती है, चार्जिंग होती है, पैसे लगते हैं। रिक्वायर्ड अ टीजीटी मैथ टीचर फॉर रिनोड कन्वेंट स्कूल इन जयपुर। जयपुर का ही नाम लिखोगे आप, अपनी तरफ से नहीं लिखोगे। रिनोड क्या होता है, जाना माना, और कॉन्वेंट स्कूल है। एंड कैंडिडेट शुड बी स्किल्ड, वो क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए ना, ऑन ऑपरेटिंग कंप्यूटर एंड पजेस प्लेजेंट पर्सनैलिटी। जब भी सिचुएशन वैकेंट का दो, तो 2-3 बातें ध्यान में रखो, स्पोकन इंग्लिश इज मस्ट, कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट,
तो यही चीज़ें होती है आजकल जो भी टीचर है कि उसकी या तो इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए या उसको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो इसने क्या रिक्वायर किया है, स्किल्ड इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर एंड पजेस ए प्रेजेंट पर्सनैलिटी, प्रेफरेबली फीमेल विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेल फीमेल का होता है तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फीमेल की है, और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना है ये आप कर सकते हो, 3 ईयर्स 8 ईयर्स 5 ईयर, वैसे 3 और 5 ही ज़्यादा चलता है, 2 ईयर्स का भी कर लेते हैं, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल कितना रेपुटेटेड है। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स लास्ट में क्या आ गया, ये लास्ट ही आ गया मतलब समअप का, कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए आर इन्वाइटेड, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इसमें एक टर्म होती है वॉक इन इंटरव्यू, कम इन इंटरव्यू मत लिखना, क्या लिखोगे, वॉक इन इंटरव्यू। फिर इसमें डेट और टाइम जरूर मेंशन कर देना, आप सिंगल डेट भी मेंशन कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर इस दिन को है, या वीक भी मेंशन कर सकते हो कि इस वीक में आ जाए, और टाइम भी कि 12 to 2।